कलेक्शन चल रहा है ना, हम कटिंग चल रहा है क्या, स्टील कटिंग। तो स्टील कटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो सॉ है, सॉ यूज करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, टेबल सॉ या दा। तो एक होता है पोर्टेबल ग्राइंडर या एंगल ग्राइंडर जो बोलते हैं ना, पोर्टेबल, जो हम लोग पाइप पूरा कटिंग किए ना अभी, वो ग्राइंडर जो है जो हाथ लेकर कहीं जाते हैं और हाथ से यूज कर लेते हैं। लेकिन वो जो सॉ है, टेबल सॉ भी बोलते हैं उसमें, मेरे ख्याल से उसे फिक्स किया जाता है, फिक्स टेबल सॉ फिक्स होता है, हाँ, उसको टाइट करके नट वगैरह, और उसको यूज करते हैं वो वुड कटिंग के लिए या फिर स्टील कटिंग करने के लिए, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो हजार्ड्स है, पहले सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रिकल पावर यूज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकुशन हो सकता है आपका, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है अगर कोई उसमें केबल या कोई उसका एक्सेसरीज उस ग्राइंडर का अगर डैमेज है, डिफेक्टेड है, तो आपको इलेक्ट्रिक्यूट कर सकता है, ठीक है, शॉक लग सकता है। और शॉक में भी बहुत सारे डिग्री होते हैं, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ऐसे होता है। तो जितना ज़्यादा डिग्री बर्न होगा उतना ज़्यादा समस्या जो है उतनी बड़ी हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहले तो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद जो है वो उसका जो आरपीएम स्पीड है, स्पीड को कैलकुलेट करते हैं आरपीएम में, ठीक है, रोटेशन पर मिनट बोलते हैं उसे, आरपीओ, हाँ, आरपीओ। तो जो डिस्क है और जो ग्राइंडर है, जो मशीन है, हमेशा देखोगे आपके मशीन पे भी लिखा रहेगा आरपीएम उसका, और डिस्क पे भी लिखा रहता है आरपीएम, जो रोटेशन पर मिनट स्पीड है। तो हमेशा आपको चेक करना है कि डिस्क जो है उसका आरपीएम यानी स्पीड उस मशीन से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, ये सेफ तरीका है। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन है, आवाज, अगर आप ग्राइंडिंग यूज कर रहे हो, कटिंग यूज कर रहे हो, तो आवाज आ रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो क्या है आपके हियरिंग कैपेसिटी को, सुनने वाली जो क्षमता है उसको डैमेज कर सकता है ना जी, विजय सही बोल रहा हूँ ना। तो ये तो नॉइज हो गया। उसके बाद जो आपको फिजिकल इंजरी बहुत सारी हो सकती है, आपकी आंखों में जा सकता है वो जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, वो आपकी आंखों में जा सकता है। जैसे स्टील कटिंग कर रहे हैं या वुड कटिंग कर रहे हो आप, तो उसमें से जो डस्ट निकलेगा वो आपकी आंखों में जा सकता है, आपके नाक में जा सकता है, नाक से किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में जाकर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, या फिर कैंसर भी कर सकता है, ठीक है, लंग्स कैंसर भी हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज है वो, लॉन्ग टर्म, वो अभी नहीं, एक छह महीने बाद, एक साल बाद, दो साल बाद भी ये आपको बीमारी हो सकती है, पांच साल के बाद भी हो सकती है। According to CDC, about chronic diseases are defined broadly as conditions that last 1 year or more and require ongoing medical attention or limit activities of daily living or both. Chronic diseases such as heart disease, cancer, and diabetes are the leading causes of death and disability in the United States. Research किया गया है, पहले एक ओसा है, अमेरिका में ये organization है, उन्होंने research किया था, जैसे cement के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, cement, concrete के साथ, जो dust ले रहे हैं, तो चार साल, पांच साल, दस साल के बाद भी उनको सिलोकिसिस हो जाता था, यानी कि कैंसर का टाइप है लंग्स में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये हजार्ड हो गया, उसके बाद स्लीप एंट्री हजार्ड हो जाएगा, अगर मान लो कुछ आप केमिकल या कोई ऑयल यूज कर रहे हैं वहां पे, या फिर कोई केबल जो है उधर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ केबल का, इधर जैसे कभी कभी देखता हूँ कि हमारे लोग जो है केबल जो है जैसे तैसे इधर उधर पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रिप हजार्ड होगा, उसमें पैर फंस जाएगा, तो उसे कहते हैं ट्रिप हजार्ड, वो आप उसमें पैर फंस कर आपको गिरा सकता है, तो ये भी हजार्ड है। तो ये सारे हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा आपको, पीपी यूज करना है, प्रॉपर हाउस कीपिंग करना है, केबल मैनेजमेंट हाउस कीपिंग में आता है, केबल मैनेजमेंट यानी केबल को ऐसी जगह से गुजारे लेके जाए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, यानी प्रॉब्लम क्या, गुस्सा नहीं, गिरे नहीं हुआ गुजार गुजाना जाना जो पेडेस्ट्रियन है, ठीक है, या विजिटर्स है, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स जो है ट्रेसपासर्स जो होते हैं उन्हें नहीं मालूम कि इधर क्या है, नहीं कहाँ घंटा है, किधर केबल है, किधर क्या है, नहीं मालूम, क्योंकि उनका इंडक्शन नहीं हुआ है, साइड का इंडक्शन नहीं हुआ है, किधर क्या है। तो आप लोग ऐसे करके सेफ रहेंगे जब भी आप कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडर यूज कर रहे हो, पोर्टेबल ग्राइंडर हो, एंगल या फिर ये टेबल सॉ। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सुने हैं और समझे हैं ना, तो ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you.